आज के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेघालय में एक गांव है जो अपने आप में स्वच्छता के माने में एशिया में सबसे अच्छा गांव है, और वहाँ बड़ी संख्या में लोग जाते हैं गांव में, मैंने उसको गांव को देखते हैं। साथ साथ वहाँ पर लोगों ने व्यापार का एक केंद्र बना लिया, मतलब होटल वगैरह खोल लिया है, कई सामान बेचते हैं, तो उससे उस गाँव की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। और यह तो देखिए स्वच्छता है, ये एक मन के अंदर जब हमारे अंदर ये भावना हो जाए कि नहीं सर मैं स्वच्छ रहूँगा, स्वच्छ रखूँगा, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है होने का। जैसे हुआ, अब मैं मोरसा से गया था, वहाँ पर देखा एक पिकनिक में मैं गया समुद्र किनारे, वहाँ पर सभी लोगों ने जलपान किए, और जितना उसका प्लास्टिक था या जो भी और जो भी पैकेट था सबको बड़ा सा ले गए थे ये पॉलीथीन, और उसमें लोगों ने कस करके उसको एक भी परचाओं की परा नहीं रहा। अब ये भावना यहाँ पर देखते हैं कि लोग जहाँ खाया पहले वहीं पर फेंक दिया, वहाँ जो उनका पैकेट है वहीं फेंक दिया और खाना खा लिया। तो इसको यदि आपको बहुत बड़ी बात नहीं है, इस सोच की बात है, तो ये सोच डेवलप होना चाहिए और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आजकल सुलभ शौचालय के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, स्वच्छ भारत, हर जगह स्वच्छ माने हर गली हो, स्वच्छ मोहल्ला हो, स्वच्छ घर को स्वच्छ रखते हैं, अब मोहल्ला को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो उससे तो बीमारी फैलेगी। और जैसी कि जानकारी मिली कि जब से यह स्वच्छता अभियान चला है काफ़ी बीमारी में कमी आई है, इस प्रकार यह बहुत ज़रूरी है और यह बहुत अच्छा माने एक पहल है, और इसकी जितनी बढ़ावा दी जाए बहुत अच्छी बात है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।